policybazaar.com. Patriot, powered by Imperial Blue Music CDs. दोस्तों, कोई भी लड़ाई सरहद पे जीती जाती है, लेकिन उस लड़ाई की तैयारी यहां पे होती है। ये वो जगह है जहां पे भारतीय सेना के लिए टैंक्स बनते हैं। यहां के जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, अफसर आना, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि जो भारतीय सैनिक है वो अपनी जान हमारी हथेली पे रखता है, उसको हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारे टैंक्स पे इतना ज्यादा भरोसा है। दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या आपका स्वागत करता हूँ हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवड़ी तमिलनाडु में, भारत की टैंक मैन्युफैक्चरिंग की एकमात्र फैसिलिटी। आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे हूं उस बड़े से शेड के अंदर, और आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं पूरे टैंक्स हैं और ब्रिज लेइंग टैंक्स हैं, इक्विपमेंट है दुनिया भर का पड़ा हुआ। ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है, और ये व्हीकल फैक्ट्री में क्या होता है, इधर कौन कौन से काम होते हैं, इसका इतिहास क्या है और इसका भविष्य क्या है, ये जानते हैं श्री संजीव किशोर जी से, सीनियर जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवड़ी। सर, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद गौरव। थैंक यू सर। सर, इसका इतिहास जरा बताइए सर अवड़ी का, क्योंकि हमने भी बचपन से सुना है, हमने पढ़ा था किताबों में कि एक टैंक फैक्ट्री है जो कि अवड़ी में है, जहां से भारतीय सेना के लिए टैंक बनते हैं। आप इस पूरी इस फैक्ट्री, आप इसके इंचार्ज हैं पूरी फैक्ट्री के, पूरे एरिया के देखरेख सारी आपके अंडर है। इस फैक्ट्री में होता क्या है, इसका इतिहास कैसे? गौरव, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जिसको कि हम टैंक फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं जी, इसका नींव का जो पत्थर था जी, सन 1961 में जी 29 दिसंबर को तत्कालीन रक्षा मंत्री के करकमलों से हुआ था जी। उस समय ये फैक्ट्री का निर्माण विजेंता टैंक के लिए हुआ था। अच्छा सर। और सन 1965 में जी 29 दिसंबर 1965 पहला विजेंता टैंक यहाँ से रोल आउट हुआ था। 65 में हो चुका था सर जी, 1965 जी। तब से लगभग आप समझ सकते हैं कि हम लोग लगभग 55 साल का इतिहास हमारी इस निर्माणी का है जी। और ये जो आवड़ी जो जगह आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही डिफेंस का फेमस टाउनशिप है जी। यहाँ पे आयुध निर्माणी की तीन निर्माणियाँ हैं, जिसमें हैवी व्हीकल फैक्ट्री एक है जी। दो निर्माणियाँ और भी हैं, इसमें एक इंजन फैक्ट्री अवड़ी कहलाती है जी। और दूसरा ऑर्डनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवड़ी है। तो ये एक जिसको कहते हैं मोटे रूप से इसका एक इतिहास हो गया सर। सर, ये फैक्ट्री जो है, यहाँ पे कौन कौन सी टैंक्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, और टैंक्स के अलावा भी अगर कुछ बनता है तो बताइए हमें। गौरव, इस फैक्ट्री का जो मैंने आप जैसा आपको इतिहास बताया, विजेंता टैंक से शुरुआत हुई थी जी। विजेंता टैंक उस समय एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में एक ही टैंक बना करता था सर, आज की डेट में हम लोग इसमें 5 टैंक बना रहे हैं जी। हमने रशियन कोलोबोरेशन के साथ मिलकर के T-72 अजिया टैंक का निर्माण पहले शुरुआत किया जी। उसके बाद दूसरा टैंक हम लोगों ने T-90 जी, जो कि भीष्मा टैंक के नाम से भी फेमस है जी, उसका निर्माण हम लोगों ने जो है 2004 से शुरुआत किया था जी। और 2009 में हमने सबसे पहला इंडिजिनस टैंक बना करके इस निर्माण से बाहर किया था। अच्छा। इसी बीच में हम लोगों ने DRDO द्वारा डिजाइन किया हुआ एक अर्जुन टैंक जो कि HVF में बनता है, उसका निर्माण शुरू किया। और T-72 के हम लोगों ने दो वेरिएंट लॉन्च किए इस फैक्ट्री में, जिसको कि ट्रॉल के नाम से और BLT के नाम से जाना जाता है। BLT का लॉन्चिंग अभी आपने कुछ देर पहले देखा था जी। और एक ये ट्रॉल टैंक है जो बेसिकली बैटल फील्ड में एंटी टैंक माइंस बिछी रहती है जी, उस माइंस को डीएक्टिवेट करने के काम आता है, ये ट्रॉलिंग के लिए सर, बेसिकली नीचे से खोद के जी। अच्छा, ये सर, ये तो आपने बता दिया सर मोटा मोटी यहाँ पे काम क्या होता है और यहाँ पे किस टाइप का इक्विपमेंट बनता है। सर, भारतीय सेना का जो एक जवान है, एक अफसर है, लोग पूछते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस क्या होती है, तो जब मैंने बात करी थी चेयरमैन साहब से, तो चेयरमैन साहब ने एक ही बात बताई मुझे, कहते हैं कि गौरव, वो जो जवान हम पे भरोसा करता है, वो जो अफसर हमारी बनाई हुई चीज़ पे, हमारी बनाए हुए टैंक को ब्लाइंडली अपनी लाइफ के साथ ट्रस्ट करता है, उससे बड़ा क्वालिटी अश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता। ये इस बात से आप कितना सहमत हैं? गौरव, जो चेयरमैन साहब ने बात कहा है वो 100% सही बात है जी, क्योंकि जब सेना के जो जवान हमारे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं जी, उनके हाथों में जो हम अपना बना हुआ हथियार देखते हैं जी, तो हमें इतना गर्व का अनुभव होता है कि हम किस तरह से
सेना के लिए सजग रूप से कार्य कर रहे हैं जी। और देश की जो सुरक्षा है उसमें हम अपना सहयोग दे रहे हैं बिल्कुल। और इसके लिए क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज करना स्वाद ही पैदा नहीं होता जी। क्वालिटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं टैंक अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जी। इसमें लगभग 20,000 पुर्जे लगते हैं। अच्छा, एक टैंक में 20,000 पुर्जे। लगभग 3,000 असेंबलीज होती हैं जी। और इन सब के लिए बहुत सारा काम हम लोग खुद इस फैक्ट्री में करते हैं जी। और काफी हद तक हम लोग वेंडर्स जो हमारे एमएसएमई पार्टनर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पार्टनर हैं, प्लस 8 हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं जी। क्वालिटी हैज टू बी बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये हमारा कंसेप्ट है जी। सिर्फ इंस्पेक्शन करने से क्वालिटी नहीं बन सकती है, तो इसके लिए हम लोग जो हमारे वेंडर्स की प्रीमाइसेस हैं उसमें जाकर के अपने वेंडर्स को उनको एजुकेट करते हैं, उनके प्रोसेस को ऑडिट करते हैं। और इसके लिए हमारा एक पूरा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है वो पूरा काम करता है, जिसमें कि लगभग 20 ग्रुप के अधिकारी कार्य करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वर्कमैन और स्टाफ सुपरवाइजिंग नेचर के जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं उसमें जी। और इस हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पे एक DGQA संस्था है, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जी। उसके अंदर यहाँ पे 3 ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी हैं जो हमारे बनाए हुए उत्पाद के इंस्पेक्शन करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट डिफाइंड स्टेजेस हैं जहाँ पे उनको इंस्पेक्शन भी बुलाया जाता है और वो उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा। और जब टैंक फाइनली बनके तैयार हो जाता है उस समय भी जो हमारे यूनिट्स जो टैंक को लेने के लिए आते हैं उनको हम टैंक उनके हाथ में दे देते हैं और वो टैंक का पूरी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, टैंक को चला के देखते हैं, और जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तब वो टैंक को यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, तो सर मैं यहाँ पे आने से पहले बचपन से जो किताबों में पढ़ा था पता था कि अवडी जो है एक फैक्ट्री है। यहाँ पे पता लगा कि अवडी एक्चुअली एक शहर है छोटा मोटा सर। यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्टेडियम है, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स या फैक्ट्रीज हैं वो तो हैं ही। ये ऐसा क्यों? क्या ये इसलिए कि जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसको सारी सुविधाएं अंदर मिले, उसको टेंशन ना हो किसी चीज़ का, सिर्फ टॉप क्वालिटी देता चला जाए, उसका यही काम है? बिल्कुल सही बात पकड़ी है जी। कि ये अवडी जो है अपने आप में पूरा टाउनशिप जी। यहाँ पे वर्कर्स जब सुबह फैक्ट्री में इन होके आता है तो अपनी सारी घर की समस्याओं को बाहर छोड़ के आता है, जिससे कि उसका 100% सिर्फ प्रोडक्शन में ही ध्यान रहे और उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान रहे जी। हमारी तरफ यहाँ पे स्टेट में हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, प्लस उनके खेलने की सुविधाएं भी दी गई हैं, प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनकी फैमिलीज का भी ध्यान रखा जाता है। 2 स्कूल चलाते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, प्लस गैस एजेंसी की भी उपलब्धता कराते हैं जी। तो ये पूरी तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, जिससे कर्मचारी जब फैक्ट्री के अंदर आए तो वो निश्चिंत होकर सिर्फ निर्माण के काम में ध्यान दें, घर की समस्याएं दूर रखें जी। सर और कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपने 5 किस्म के टैंक बताए, बाकी रिकरिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं सर आर्मी से बार बार? ऑर्डर्स की समस्या अभी नहीं है, अगले 2 साल तक हमारे पास पूरे ऑर्डर हैं जी। और जो ऑर्डर पाइपलाइन में है जी, उससे अगले 7 से 8 साल तक का हमारे पास पूरा लोड होगा, ऐसा हम ढूंढते हैं जी। तो लोड की कमी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में नहीं होगी, प्लस आर्मी के जो नए आर्मी हमारे आधुनिक जो एडवांस हैं जी, उसके ऊपर हम लोगों से बात कर रही है जी। और हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को काफी एक्टिवेट करके रखा हुआ है जी। और इसके लिए हम लोगों ने काफी जो एग्जिस्टिंग टैंक्स है उसमें नए नए एडवांस इंप्रूवमेंट सोच रहे हैं और उसको करने की प्रयास कर रहे हैं। मीडिया में हाल ही में रिपोर्ट आई थी सर अर्जुन के बारे में कि अब आर्मी सोच रही है अर्जुन को एक्सपेंड करें, तो सर अगर आर्मी अर्जुन को एक्सपेंड करती है, कुछ नंबर्स हैं जो कि मीडिया में आए थे, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा सर, लेकिन जब वो नंबर्स होंगे और मीट करेंगे तो फिर अर्जुन यहीं पे बनेगा जैसे पहले बनता था? अर्जुन टैंक के लिए HVF ही एक नॉमिनेटेड प्रोडक्शन एजेंसी है जी, और इसका अभी एक निर्णय हो चुका है जी। और जो भी अर्जुन के जो फ्यूचर में ऑर्डर आने वाले हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ हैवी व्हीकल फैक्ट्री में ही बनेंगे, और यहीं पे अर्जुन टैंक दोबारा यहाँ से तैयार होगा, यहीं से रोल आउट होगा। तो सर फौजी यहाँ पे आते हैं चेक करके, फिर यहीं से ले जाते हैं अपनी अपनी यूनिटों में? जी हाँ, वो फौजी यहाँ आते हैं, उसको पूरा इंस्पेक्शन करते हैं जी, जैसा आपने बताया अभी जी। उसके बाद वो अपनी यूनिट को लेके जाते हैं। सर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? कॉम्पिटिशन आजकल बढ़ता चला जा रहा है, लोग यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन मैगजीन्स के माध्यम से, जेंस डिफेंस वीकली एक है जो आजकल बड़ा पढ़ा जा रहा है, पुराना है लेकिन आजकल ऑनलाइन एडिशन आ गए तो लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। आपको क्या लगता है सर कि ये जो फैक्ट्री अवडी की, ये मॉडर्न 21st वॉरफेयर का जो चैलेंजेस हैं, खासतौर से मैकेनाइज्ड फोर्सेस के चैलेंजेस, जो टैंक्स के चैलेंजेस हैं, उसमें खरी उतरती है फैक्ट्री? हमने फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया है जी, और आप ये देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध है जी। क्योंकि ये फैक्ट्री बेसिकली क्या है कि एक हैवी फैब्रिकेशन और मशीनिंग इंडस्ट्री है जी,
और इसमें मशीनरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जी। हमने पिछले 5-6 सालों में काफ़ी पैसा खर्चा किया है इसके आधुनिकरण के ऊपर और नई नई शॉप्स तैयार की हैं जिसमें कि जो टैंक्स के जो कलपुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं। और जो चैलेंजेस की बात जो आपने की है, सबसे बड़ा चैलेंज तो क्वालिटी ही हमारे सामने रहता है क्योंकि 400 MSME और SMEs को जी हैंडल करना पड़ता है और उनके द्वारा जो सप्लाई किया हुआ हमारे पास जो सामान आता है उसकी ही गुणवत्ता हमारे टैंक की गुणवत्ता को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस हमारे पास, हमारा जो है वो वेंडर्स की क्वालिटी के ऊपर रहता है। प्लस जो हमारी सिस्टर ऑर्डर्स फैक्ट्रीज है वो माल को सप्लाई करती है, अगर वहाँ से गुणवत्ता वाला मटेरियल एक बार इन हो गया फैक्ट्री के अंदर जी, तो हमारे वर्कर्स की जो स्किल लेवल है वो बहुत ही ऊंची है जी। और फिर टैंक बनाने में हमको कोई समस्या नहीं आती क्योंकि यही काम वो सालों दर सालों से करते चले आ रहे हैं, एक ही काम, तो एक्सपर्टीज हासिल हो ही गया उनको करते करते। स्किल का कोई मैच करना मुकाबला नहीं कर सकता हिंदुस्तान में, तो कम से कम नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। थैंक यू। श्री संजीव किशोर जी, सीनियर जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी, हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से इतिहास में ये सोचा गया कि जरूरी है यहाँ पे टैंक फैक्ट्री बने, टैंक फैक्ट्री बनी, किस किस प्रकार के टैंक्स यहाँ पे बनते हैं, क्या एक्सपर्टीज है, इनके सब वेंडर्स कौन कौन हैं जो उनके कलपुर्जे बनाते हैं टैंक के, यहाँ पे हैवी मशीनिंग होती है जिसके लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि क्वालिटी एश्योरेंस की जो बात करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो फौजी है सरहद पे वो इतना विश्वास करता है कि अपनी जान हमारी हथेली पर रख के उसने दे दी है कि मैं आप पे 100% विश्वास करता हूँ और आप जो बनाएंगे मैं उसको खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ अवडी के और किसी कोने में, कुछ और वर्कर्स, कुछ और मैनेजर से आपको मिलवाता हूँ, जानिए यहाँ पे अक्सर होता क्या है इस टाउनशिप में, एक छोटे से टैंक के शहर में। आइए मेरे साथ। सबसे पहली ऑर्डनेंस फैक्ट्री कलकत्ता में काशीपुर 1801 में स्थापित हुई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसको, और उसके बाद समय के हिसाब से अंग्रेज़ों ने और फैक्ट्रीज बनाई और द्वितीय विश्व युद्ध में, ख़ास तौर से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी और 1947 तक हमारे पास 17 फैक्ट्रियाँ थीं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी जब कुछ समय तक तो शांति रही, लेकिन 1962 से 1971 के बीच में देश ने 9 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े और कारगिल का एक अप्रत्याशित सा युद्ध आया देश के ऊपर, तो उससे देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का नॉन अलाइनमेंट एक उद्देश्य रहा है, राजनीतिक फिलॉसफी रही है, आत्मनिर्भरता हमारी फिलॉसफी रही है, इसलिए ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज सरकार ने बनाई और उनके माध्यम से हमने देश की सशस्त्र सेनाओं को हर तरह से सहायता की, हर प्रकार के हथियार दिए, हर प्रकार का एम्युनिशन दिया, हर प्रकार की आर्मर्ड व्हीकल्स और जितनी भी आवश्यकता के सामान थे, यहाँ तक कि उनके लिए चाहे कंबल हो, चाहे उनके लिए बूट हो, चाहे उनके लिए यूनिफॉर्म्स हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग के इक्विपमेंट हैं, हर प्रकार हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया है। सन 1948 की लड़ाई देश ने उम्मीद नहीं की थी क्योंकि एक प्रकार से विभाजन हो चुका था देश का दुर्भाग्यवश, लेकिन उसके बावजूद जब वो युद्ध आया तो हम लोगों के पास जो भी हथियार थे मजबूती के साथ भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, परंतु उसके बाद भी जो राजनीतिक माहौल था देश में, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, तो 1948 से 1962 तक हम लोगों ने ज़्यादा विकास नहीं हुआ ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज़ में। 1962 से 1971 के बीच में जब 3 युद्ध लगातार आए तो एक बड़ा तेज़ी से विस्तार हुआ, तकनीकी रूप से हम लोगों का विस्तार हुआ, क्षमता में हम लोगों का विस्तार हुआ और देश ने ये समझ लिया कि अगर हम लोगों को आगे अपना एक स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी है और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना है तो हमारे लिए रक्षा इंडस्ट्री बहुत मजबूत होनी चाहिए, और उस आधार पे देश में बहुत सी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज़ नई स्थापित की गई, वेपन के क्षेत्र में, एम्युनिशन के क्षेत्र में, आर्टिलरी गन के क्षेत्र में, टैंक के क्षेत्र में, क्रिटिकल सब सिस्टम्स जो इनके थे, इंजन्स, ऑप्टिकल सिस्टम्स, हर प्रकार के एरिया में हम लोगों ने फैक्ट्रीज़ देश ने स्थापित किया और उस तरह से हम लोगों ने आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त किया। भारतीय सेना में इस समय हम लोग T-90 भीष्म टैंक बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले इतिहास जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज़ ने विजयंता टैंक बनाया, उसके बाद हम लोगों ने T-72 अजय टैंक बनाए, उसके बाद हम लोगों ने T-90 टैंक बनाए टेक्नोलॉजी से लेकर के रशिया से, और
इसमें बड़े हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोगों ने मेन बैटल टैंक अर्जुन भी बनाया, जो अपने ही देश में CVRD DRDO के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में जो है जो टैंक बनाने की है वहाँ पे इसका निर्माण किया गया। हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1961 में हुई थी, टैंक बनाने की एकमात्र फैक्ट्री है, और विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं कहीं भी उपलब्ध हैं टैंक बनाने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे मेटलर्जी के क्षेत्र में, मटेरियल टेस्टिंग के क्षेत्र में, क्रिटिकल कंपोनेंट्स का टेस्टिंग इवैल्यूएशन, और अवाड़ी फैक्ट्री एक सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह से काम करती है, क्योंकि यहाँ पे टैंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, और उसमें चाहे उसका आर्मामेंट है, चाहे उसके सेंसर्स हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इंजिनस हैं, उसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, बहुत सी चीज़ें दूसरी फैक्ट्री से आती हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, और उसको इंटीग्रेट करके बहुत ही एक्यूरेट इक्विपमेंट बनाना जो बड़ी प्रिसाइज फायरिंग कर सके, बहुत भरोसेमंद रहे, रिलायबल रहे, क्योंकि टैंक एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर सैनिक बैठा रहता और कुछ देख नहीं सकता, तो उसे लड़ने के लिए पूरा भरोसा रहना चाहिए अपने टैंक पे, अपने टैंक की जो गन है उसके निशाने पे, उसकी एक्यूरेसी पे, जो उसका एमिनिशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे, और वो भरोसा भारतीय सेना के पास रहता है। टैंक अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सबसे प्रमुख आजकल का वेपन है, और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय सेना को हमारे बनाए हुए टैंकों पर बहुत भरोसा है। हम लोगों को भविष्य के लिए बहुत अच्छी ऑर्डर्स मिले हैं, T-90 भीष्म टैंक के ऑर्डर्स आने वाले हैं, हम लोग बना भी रहे हैं। अर्जुन मार्क 1 जो हम लोगों ने बनाया है, DRDO ने उसका नया मॉडल अर्जुन मार्क 1A बनाया है, उसके लिए भी हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, उसकी भी आर्मी ने इवेल्यूएशन कर लिया है और उसके भी ऑर्डर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टैंक के कुछ वेरियंट्स होते हैं, जैसे ब्रिजलिंग टैंक होते हैं या फ्लेल होते हैं, कुछ और इक्विपमेंट जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, उनके भी ऑर्डर्स हमारे पास HVF में हैं और उनका प्रोडक्शन चल रहा है। हम लोग जो हथियार बना रहे हैं, हमारा एक एक कर्मचारी इस बात को समझता है कि कोई भी हम हथियार बनाते हैं, टैंक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एम्यूनिशन बनाते हैं, ये हमारे सैनिक के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक मित्र थे, एक मेजर साहब, जिन्होंने मुझको कहा था कि लड़ाई के मैदान में ये जो रिवॉल्वर पिस्टल और ये जो वेपन है यही मेरा खुदा होता है, तो उसको उस पर उतना ही भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस समय युद्ध करने कोई सैनिक जाता है तो उस समय अगर उसको भरोसा नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। उनको हमारे क्वालिटी सिस्टम से भरोसा है। हम लोगों ने जो 50 साल से हैवी व्हीकल फैक्ट्री में करीब अब 55 साल हो रहे हैं प्रोडक्शन करते हुए, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स रहे हैं उनकी क्वालिटी जो रही है, रिलायबिलिटी जो रही है, और जो अनुभव रहा है भारतीय सेना का, उसके आधार पे मुझे बड़ा गर्व है ये कहने में। मुझे गर्व है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पे जिन्होंने टैंक बनाया है, कि उन्होंने ये विश्वास अर्जित किया है सेना का। दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा सा फैक्ट्री शेड है, और ऐसे कई सारे शेड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे पूरे टैंक का प्रोडक्शन होता है, टैंक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई ना कोई तो है जो सबको करवा रहा है, कौन है उनसे मिलते हैं। मिस्टर विनायगम है हमारे साथ, AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोडक्शन। सर, हमारी शो में आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू मिस्टर विनायगम, आप सारा टैंक का प्रोडक्शन आपके अंडर में है। यस, तो यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं आप? नहीं, all the major aggregates required for the tank production. Ji. Like hull, turret, auto loading gears. Ji. Suspension systems. Okay. Then gearbox, all types of gearbox. Sab kuch banate hain yahan pe. Sab kuch banata hai. Whatever required for the tank. Yes. Almost 70% all manufactured in HVO. Achha. All critical items we are making. Critical items sare ke sare. Yes. Sir, aapka kaam mein sabse zyada challenges aapko kya lagte hain? Sabse zyada difficult kya hai aapka kaam mein? Mushkil kya hai? We have to deliver in time. That is a major challenge. We are more concentrating on quality. We are involving total quality. We are following. So you are saying quality and time. Quality and time. ये सबसे बड़े challenges हैं आपके पास. Challenges, yes. Right? Yes. और बाकी जो आपका staff है,
जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, आप खुद इंजीनियर हैं सर? यस सर। आपने कहाँ से करी इंजीनियरिंग? आई हैव डन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको कहीं और भी जॉब मिल जाता अच्छी कॉर्पोरेट में, आप यहाँ पे कैसे आ गए? I have that patriotic feeling. I want to serve the nation. As an engineer, it is best way to serve. तो आपने बोला कि चलिए मैं देश के लिए टैंक बनाता हूँ। Yes. पर आपको कितना टाइम हो गया? How many years of service have you put in? 29 years. 29 years हो चुके हैं आपको? Yes. यही काम करते करते? Yes, sir. और शुरू से काफी कुछ आपने मैन्युफैक्चर करा है। किस किस क्या क्या मैन्युफैक्चर कर चुके हैं सर आप? Before joining here, I was in Simpsons. जी. I produced the engine. जी. Diesel engines. अच्छा. Then I joined railways. अच्छा, then from there I switch over to defense production. Defense production, तो defense production में कितना साल हो गया आपको? Defense production also 29 years. अच्छा, 29 years हो गए पूरे defense production में ही? Yes, yes. Before that another 12 years I was there. अच्छा, I am going to retire in another 1 year. अच्छा, तो सर एक बात बताइए, ये defense production में 29 years में आपने क्या-क्या करा? I have established Arjun hull and turret in Medak, ordnance factory Medak. अच्छा, for that I was awarded Ayud Veer. Okay. Then I have developed, indigenously developed 130 armor plate. For that I was appreciated by Defence Secretary and I was awarded by our Additional DG AV Production. Okay. Yes. So, आपने ये काम करें। Then last year I was awarded Ayud Bhushan for overall contribution in the Defence Production. Right. तो आपका 29 साल का तजुर्बा है? Yes. और आप टैंक्स में ही ज़्यादा हैं? Tanks ही। Tanks. My blood is tank. Your blood is tank, sir, yes, पूरा. Yes. कैसा लगता है सर जब एक पूरा एक टैंक सामने से आप बन के जाते हैं? The feeling of pride थोड़ा अंदर से होता है? Every year we want to excel last year's service. Last year's service. Yes. सबसे ज्यादा खुशी आपको कौन सा टैंक? आपने T-72 बनाया? Yes, T-90 बनाया? Yes. अर्जुन बनाया? Yes, sir. सबसे ज्यादा खुशी कब हुआ? खुशी का अर्जुन का. अर्जुन का? Yes, sir. ऐसा क्यों? Because it is indigenously developed tank. My country developed, so it's very Indian. Yes, Indian pride. Pride है? Yes. अर्जुन, अर्जुन अभी मीडिया में रिपोर्ट आई है सर कि अर्जुन के काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैंने मीडिया के रिपोर्ट्स में पढ़ा. Yes, तो आप ही लोग बनाएंगे यहाँ पे? इधर ही बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे. CVRD also assured we will be manufacturing here. यही पे? Yes, we are the production agency for the production agency अर्जुन. और एक बार फिर गर्व होगा आप अगले साल रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले जाने से पहले एक बार एक अर्जुन कम से कम यहाँ से निकलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू आपको बात करके बिल्कुल जोश आ गया. थैंक यू. आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी पेप्ड अप. थैंक यू सो मच सर. कहते हैं कि 29 साल, उसके पहले 12 साल अलग, 29 साल डिफेंस प्रोडक्शन में, कहते मेरे खून में टैंक बसा हुआ है और दोबारा अर्जुन का प्रोडक्शन शुरू होगा और मैं रिटायर होने से पहले एक बार फिर अर्जुन बनाऊंगा. मेरे दिल के सबसे करीब क्यों है? क्योंकि अर्जुन सचमुच हिंदुस्तानी है. Basically, this defoating is one of the tests which we are carrying out as per the TOT. When the tanks is being exploited in the real condition, the tank will undergo the water, that means 1 meter below the water, and 1 kilometer it will run. So during that time, any leakages are coming, so that water will enter into the tank and there may be a damage for the tank inside assemblies and all. So in order to ensure that, we are doing a simulation defoating test here. We are basically we are dipping the tank inside and we are ensuring that all the leakages has been arrested. Once the test is passed as per the TOT document, so our tank will be issued to the user for further exploitation. So this is the process we are following for each and every tank in T90 as well as T72 and BLT also. This is one of the major tests which we are carrying out to ensure the leakages and arresting the leakages. PolicyBazaar.com. Patriot. Powered by Imperial Blue Music CDs.